स्वागत करते हैं मार्केट का ज्ञान का चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं बायो ग्रीन पेपर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जो कि हैदराबाद में स्थित है। मैंने आपको स्टॉक के बारे में पहली जानकारी दे दी थी, किसी ने एक शख्स ने कमेंट किए था और इस शख्स ने कहा था स्टॉक अभी डिलिस्ट हो चुका है, लिस्ट में कब आएगा। मैं पहले बता दूँ, ये डिलिस्ट हो चुका है और लिस्टिंग में बहुत ही जल्द आ सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन अभी तक कोई हाल फिलहाल लेटेस्ट कंपनी के पास कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। मैं इसके पहले सेक्टर के बता दूँ, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड कराती है। कंपनी देख सकते हैं कहाँ स्थित है, कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे जलमुरु मंडल दोस्तों, श्रीकाकुलम दोस्तों, वहाँ पर स्थित है कंपनी। एक बिजनेस अबाउट कंपनी, कंपनी डुप्लीकेट्स बनाती है दोस्तों, डुप्लीकेट ब्रांड बनाती है। जिस कंपनी का फैक्टर बहुत अच्छा है, कंपनी यहाँ पे छोटी सी छोटी जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ बहुत कम लग रहा है। लोगों को लगता है इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो कंपनी की प्राइस है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, जैसे कंपनी डीलिस्टिंग हुई और यहाँ पर के देख सकते हैं जो कंपनी के अबाउट में, उनमें से जब शुरू हुई कंपनी को दोस्तों, शुरू हुए लगभग काफी लंबे समय हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रॉफिटेबल ग्रोथ और यहाँ पर लंबा मार्केट कैप नहीं कर पाई है। इससे लगता है, यही लगता है कि इस कंपनी का आगे का भविष्य बहुत दोस्तों बहुत खतरे में लग रहा है। ये कर्ज में आ सकती है, इसमें कोई ज्यादा भविष्य की खबरें नहीं दिख रही हैं। अबाउट अस में देख सकते हैं, अगर हम आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन के जरिए एक शब्द यूज करके दिखाएं तो भी बुरा नहीं होगा। कंपनी करती क्या है, कंपनी की प्रोफाइल डुप्लीकेट बॉन्ड 1550 से 600 जीसीएम हो चुका है कंपनी के बारे में। 1956 से कंपनी ने शुरुआत की थी, मैंने पहले बताया आपको, और डी लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता दें, डुप्लीकेट बोर्डों की मांग फार्मास्यूटिकल सिगरेट हाजिरी उत्पादों माचिस और अगरबत्ती उद्योगों में विकास दर पर लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी क्राफ्ट पेपर का उपयोग बड़े पैमाने पर करती है कंपनी, वही डुप्लीकेट बनाती है। ये 21 अक्टूबर की न्यूज देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी डी लिस्टिंग करने का ऐलान कर दी थी। जब लोगों ने आप यहाँ पे डी लिस्ट करने के लिए आपने शेयर सेल नहीं किया था, आपने शेयर सेल कर दिया होता तो आपको एक बहुत बड़ा झटके से बच जाते हैं। लेकिन ये कंपनी लिस्टिंग में आ सकती है क्योंकि दोस्तों ज्यादा लंबे समय तक डीलिस्ट नहीं हुई। यहाँ पे देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2021 में इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट में आया ना डीलिस्ट में आए। मैं पहले बता दूँ, ये एक पेनी स्टॉक है और रिस्क में है दोस्तों, रिस्क भी ज्यादा, इसीलिए मैंने कहा तो सोच समझ कर निवेश करें और कम से कम क्वांटिटी खरीदें। जितनी आप पैसे खो देने की क्षमता रखते हो उतना ही शेयर या स्टॉक खरीदें। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्टॉक में डीलिस्टिंग या लिस्टिंग की कोई नई अपडेट नहीं है। ये डीलिस्ट होने के बावजूद भी स्टॉक कब लिस्ट में आ सकता है, इसकी कोई खबर हाल फिलहाल में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं, इस कंपनी के यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट में ब्लू कलर में करा, आप उसको एक आराम से पढ़ सकते हैं। अगर वही मैं इस कंपनी के स्टॉक समरी की देख रहा हूँ, रिपोर्ट काफ़ी अच्छी नहीं, जो कि प्राइस परफॉर्मेंस पे देख सकते हैं। अगर करंट प्राइस या करंट मार्केट कैप की बात करें तो 4.67 करोड़ है, करंट प्राइस भी 1.81 रुपये थी, जबकि हाईएस्ट भी 3.78 रुपये गया है। वही आरओसी -7.41, आरओई -7.80, फेस वैल्यू 10 रुपया है। अगर यहीं पे मैं कुछ जोड़ने का प्रयास चलाओ, कंपनी करती क्या मैंने आपको पहले बता दिया था, और स्टॉक बढ़िया है दोस्तों, आप इसे खरीद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यह डीलिस्टिंग है, खरीद नहीं सकते। मैं कहता हूँ आप इस पे स्टॉक पर बाई मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्क।